मध्य प्रदेश के बड़वाह के समीप तीर्थ नगरी ओमकालेश्वर में धनतेरस के पावन पर्व पर धन के देवता कुबेर भंडारी के दर्शन का एक विशेष केंद्र बना रहता है। यहाँ मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्तों द्वारा कतार में खड़े होकर कुबेर महादेव को ज्वार अर्पित कर दर्शन किए जाते हैं। ओमकालेश्वर में स्थित कुबेर भंडारी का यह मंदिर प्रदेश के दूसरे नंबर और देश में छठवें नंबर पर मंदिर कहलाता है। कुबेर भंडारी मंदिर समिति के किशोर बिरला कोमल सह मंडलोई ने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान 24 एवं 25 अक्टूबर को 108 कुंडीय कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुबह से ही कुबेर देवता की महाआरती, रुद्राभिषेक और प्रसादा भंडारी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 28 वर्षों से यहाँ पर कुबेर भंडारी महादेव जी की स्थापना की गई। काफ़ी संघर्षों के बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें कातोरा से चेतराम भाई का विशेष सहयोग, परिश्रम, भक्ति, शक्ति सब उनने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और ये स्थान बनाया। इसके पहले डैम के बैक वाटर में कुबेर जी का प्राचीन मंदिर था, जिसको यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। उनका एक स्वरूप लेके वहाँ से यहाँ पर विधि विधान से स्थापना की गई। वो मंदिर, प्राचीन मंदिर जो हजारों वर्ष पुराना है, वो बैक वाटर में डूबा हुआ है। यहाँ पर कुबेर भंडारी महादेव की स्थापना के बाद यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया। समिति के तत्वाधान में धनतेरस की रात्रि को यहाँ 12 की रात्रि को धनतेरस की सुबह तक 108 कुंडी यज्ञ होता है और रात्रि में भजन संध्या होती है। सुबह कुबेर भंडारी महादेव का 4 बजे से महाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, महाआरती होती है। करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने आज धनतेरस के दिन यहाँ आके दर्शन लाभ लिए, महाप्रसादी भंडारे का लाभ लिया। धनतेरस के दिन कुबेर जी के दर्शन का क्या लाभ है? कुबेर जी धन के देवता हैं और धनतेरस महालक्ष्मी और कुबेर जी का प्रमुख पर्व माना गया है, महापर्व है। आज के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, महालक्ष्मी की पूजा होती है और यहाँ आकर लोग इसका आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ उठाते हैं, परिवार की खुशहाली की कामना लेकर जाते हैं और भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद उनके परिवार पर भरपूर मिलता है। कुबेर भंडारी मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। दादा चेतराम जी चौधरी गुजर दादा ग्राम कातोरा के निवासी, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है और उन्हीं के द्वारा ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित होता था। उनके शिवलिंग होने के पश्चात ये समिति के माध्यम से हम सभी आपस में सहयोगी रहते हैं और उसके माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करते हैं।